जब हरम पर सबापत गुजर गए जिंदाब में, जब हरम पर सबापत गुजर गए पर सर पीट कर सकी न सरे पर मर गए, सर पीट कर सकी न सरे पर मर गए। इब्ने माविया को ये जिस्म खबर गई फौरन रिहाई आले नबी की ठहर गई, फौरन रिहाई आले नबी की ठहर गई। सज्जाद नामवर को बुलाया यजीद ने मसनद पे अपने पास बिठाया यजीद ने, जिंदा में जब हरम पर सबापत गुजर गई तो पुरसा दिया सकीना का आबिद से यूं कहा, पुरसा दिया सकीना का आबिद से यूं कहा। और ये तो बताए आपके बीमार थी वो क्या, ये तो बताए आपके बीमार थी वो क्या। गम है मुझे वो मर गई जिंदा में बेदवा, बीमार थी तो क्यों ना इलाज आपने किया, बीमार थी तो क्यों ना इलाज आपने किया। बेकस के दफन करने को तन्हा चले गए, उसका जनाजा ढूंढते तुम क्यों न ले गए, बेकस के दफन करने को तन्हा चले गए, उसका जनाजा ढूंढते तुम क्यों न ले गए। तो सज्जाद बोले दो मरज को ठेला दवा, और दर्द यतीमी और अलम मर के अकरुबा, दर्द यतीमी और अलम मर के अकरुबा। देखा तरे हुसैन और दम निकल गया, बस था इलाज उसका यही और यही दवा, बस था इलाज उसका यही और यही दवा। दुखते थे कान नींद न रातों को आती थी, रोई भी दर्द से तो वो रोने न पाती थी, दुखते थे कान नींद न रातों को आती थी, रोई भी दर्द से तो वो रोने न पाती थी, रोई भी दर्द से तो वो रोने न पाती थी। तो जब उसको ख्वाब में सरे सरवर नजर पड़ा, और जब उसको ख्वाब में सरे सरवर नजर पड़ा, हिचकी अजल की लग गई और मुझसे ये कहा, हिचकी अजल की लग गई और मुझसे ये कहा। लो भाई मुझको याद मेरे बाप ने किया, पर तुमसे मैं ये कहती हूँ जब हो मेरी कदा, पर तुमसे मैं ये कहती हूँ जब हो मेरी कदा। भेजे कफन यजीद तो भाई न लीजियो, अरे अपनी अबा का भाई कफन मुझको दीजियो, भेजे कफन यजीद तो भाई न लीजियो, अपने अबा का भाई कफन मुझको दीजियो, अपने अब
का भाई कफन मुझको दीजियो, अपने अब्बा का भाई कफन मुझको दीजियो। मरने वाली ने जो कहा मैंने वो किया, उस मरने वाली ने जो कहा मैंने वो किया। अरे आई कफन के काम जो मुझ पास थी अबा, आई कफन के काम जो मुझ पास थी अबा। शुक्र खुदा के साथ मैं मेरा पर्दा रह गया, शुक्र खुदा के साथ मैं मेरा पर्दा रह गया। ऐसा किसी का मुर्दे पे उसके नहीं हुआ, ऐसा किसी का मुर्दे पे उसके नहीं हुआ। कम सिंथी पर निबास वो गैरत का कर गई, आशिक हुसैन प्यास की थी प्यासी मर गई, आशिक हुसैन प्यास की थी प्यासी मर गई, आशिक हुसैन प्यास की थी प्यासी मर गई। तो आप इससे फिर ये बोला के नाइबे अली, आप इससे फिर ये बोला के नाइबे अली। अरे लेते कफन ना वसीयत ये उसकी थी, गम है मुझे वो मर गई जिंदा में लाडली। फिर इत्तलाए मर के सकीना भी क्यों न की, फिर इत्तलाए मर के सकीना भी क्यों न की। शिमरो भिजवाया शामियाना भी ऐ नेक जात में, शिमरो उमर को कहता जनाजे के साथ में, शिमरो उमर को करता जनाजे के साथ में। स्वाबित पुकारे ये भी वसीयत थी उसकी हार, अरे भैया मेरे जनाजे पर शिमरे लईना, भैया मेरे जनाजे पर शिमरे लईना। और उम्र साध हाथ न ताबूत को लगा, बेकस का है जनाजा जो बेकस हो वो उठा, बेकस का है जनाजा जो बेकस हो वो उठा। मेरी बहन को क्या हवसे शामियाना हो, देश आया जब के लाश इमाम ज़माना हो। मेरी बहन को क्या हवसे शामियाना हो, देश आया जब के लाश इमाम ज़माना हो। हर वक्त कार साज गरीबों का है खुदा, अस्बाब जाहिर की तना दरकार मुतलका। ताबूत में सकीना का जिस वक्त ले चला, हम राह पंजतन चले करते हुए बुका, हम राह पंजतन चले करते हुए बुका। भूरो मलक बहिष्ट से तशरीफ लाए थे, हाथों पर जिब्राइल जनाजा उठाए थे, भूरो मलक बहिष्ट से तशरीफ लाए थे, हाथों पर जिब्राइल जनाजा उठाए थे। जिंदा السلام عليك يا رسول الله
المستشهدين بين يديك يا ليتنا كنا معكم ونفوز فوزا عظيما मंबर पर आते हुए मुझे सिर्फ इस बात का ख्याल था कि आपको एक अम्र याद दिलाऊं और वो ये कि जब मुहर्रम की पहली तारीख हुई थी तो आप घरों से ये सोच के निकले थे कि हम जहरा के लाल का मातम और आज अब उस गम को आप वदा करेंगे खुदा हाफिज कहेंगे। गरीबों का चहलुम है, बेकसों का चहलुम है, आपने बड़ी हिम्मत की, बड़ी हिम्मत यानी पूरे 50 दिन आपने फातिमा के मजलूम बेटे का मातम बर्पा किया और इस तरह से आप एक एक मजलिस में गए, एक एक जगह आपने शिरकत की, आपने अक्सर बोलने वालों को सुना, आपका वक्त बहुत ज्यादा सर्फ हुआ, रातों को आप बहुत जागते रहे, देर तक आप रातों से बाहर रहे। अब आज के बाद आपको कोई तकलीफ नहीं, अब कोई तकलीफ नहीं होगी। बहरहाल जो आपने फरीजा अदा किया उसके लिए मैं अपनी शहजादी से दरख्वास्त करूंगा कि शहजादी अब इन परेशान हालों को महरूम न कीजिए। शहजादी इस तरह से इन्होंने आपके बच्चे का मातम, इस तरह आप भी इनके दिलों को शाद कीजिए। सदा तमन्नाएं हैं, कोई बीमार है, कोई परेशान हाल है, किसी का अजीज किसी से बिछड़ा हुआ है, कोई वतन से दूर है, कोई असीर है, कोई कैदी है, मोहम्मद की साहबजादी अब ये आपका काम है कि आप इन लोगों को अपने लुत्फ अता से माला माल कर दे ताकि रोने वाले ये समझ ले कि हुसैन की वालिदे गिरामी ने हम पे एहसान किया। बहरहाल पटेल पार्क में भी आप शरीक थे, जुलूस में भी शरीक थे, अब यह शाम गरीबा नहीं है, अब यह शाम वतन है, अब यह वतन है और वतन की शाम है और अल्लाह दिन चहलुम का है, एक का चहलुम नहीं है, 72 का चहलुम, 72 का चहलुम। अब जिस किसी का आप ख्याल करें 6 महीने के बच्चे का भी चहलुम,
कौन मोहम्मद का भी चलो, कासिम का भी चलो, अली अकबर का भी चलो, मगर हम उमूमन चहलुम के दिन आदतन वापसी अहले बैत को बयान करते हैं। इसलिए सुबह को मैंने अर्ज किया था कि काफिला लुट के आया, सीधे रोज़े रसूल पे आया और नवासी ने नाना की जरीह पर भाई का कुर्ता डाला और कहा, नाना हर आने वाला एक तोहफा लाता है, नाना मैं भी आपके लिए एक तोहफा लाई हूं। जरीह कांपने लगी, ये वही हुसैन का कुर्ता है जिसको मोहम्मद अरबी गोद में लिए, ये वही हुसैन है जिसके गले के बोसे लिया करते थे। आज उसी हुसैन का पैराहन आया है, थोड़ी देर के बाद पैराहन को उठाया, फिर सीने से लगा लिया, काफिला घर में आया। ये दो चार अमर हमेशा बयान करता हूँ, फिर बयान करूंगा कि जब आया काफिला तो बजाय इसके कि शहजादी तशरीफ ले जाती कमरों में उताकों में, शहजादी आके सहन में बैठ गई, सहन में बैठ गई। कनीजों ने कहा भी, बीबी अंदर चलिए, दालान में चलिए, तो रो के कहा, अब ज़ैनब कभी सहन को न छोड़ेगी। अब ज़ैनब कभी दालान में न बैठेगी। हाय वो घर जो इतना आबाद था, उस घर का क्या हाल हुआ होगा जब उम्मे लैला ने देखा होगा अली अकबर का कमरा खाली, जब उम्मे फरवा ने देखा होगा कासिम का उता खाली, जब देखा होगा उम्मुल बनीन ने कि उसके चारों बच्चे वापस नहीं आए। हर एक ने अपने अपने अजीजों की बूदोबाश की जगह को देखा, मातम किया, खूब मातम किया। जनान हाशमिया जमा हुई, मदीने वाले जमा हुए, रास्ते बंद कर दिए गए। फातिमा की बेटी मातम कर रही है, फातिमा की बेटी गम मना रही है। जब बहुत देर गुजर चुकी और फराइज अदा हो चुके, तकरीबन रात अंधेरी हो चुकी, तो नजदीक आई आबिद बीमार के और कहा, बेटा तुम इजाजत दोगे? अब मैं अकेले चाहती हूँ माँ की कब्र में, अब मैं अकेले माँ की कब्र पे जाऊंगी। आबिद बीमार ने कहा, भी अम्मा आपको इख्तियार, आपको इख्तियार। इंतजाम ये किया कि एक नाका मंगवाया गया, हमारी थी सिया पर्दे थे, शहजादी अकेली थी, भाई का पैराहन साथ ले लिया और सीधे जन्नतुल बकी की तरफ ये नाका चला। तीन बातें याद रखिए हमेशा, मैंने बहुत सी तकरीरें की हैं मगर हर मौके पर चाहता हूं कि हाफिजे को आपके कवि करूं। जब याकूब ने यूसुफ को देखा है पहली मर्तबा तख्त सल्तनत पर, तो याकूब ने अपने को अपने तख्त से गिरा दिया और उसके बाद यूसुफ ने देखा बाप को, तो यूसुफ गिर पड़े।
और बाप और बेटे घुटनों के बल आहिस्ता आहिस्ता मिलने के लिए आए जोश मोहब्बत, यानी उनके पांव कांप रहे थे। बेटे ने बाप को इतनी मुद्दत के बाद देखा। इसी तरह जब अली अकबर ने आवाज दी बाबा आओ, तो हुसैन आए घुटनों के बल चलते, घुटनों के बल चलते। याद रखेंगे आप, यूसुफ और याकूब चले हैं घुटनों के बल, हुसैन इब्ने अली चले हैं, और तीसरी या मजलूमा है कि जैसे जन्नतुल बकी का कब्रिस्तान आया, एक मर्तबा नाके से गिरी और घुटनों के बल चलते कब्र तक गई और पुकार भी गई, अम्मा ज़ैनब आ गई, अम्मा ज़ैनब आ गई। और बेख्तियार कब्र को अपने दोनों हाथों से थामा और कहा, अम्मा आपने कहा था जब वापिस आऊं तो भाई का कुर्ता लाऊं, अम्मा ये तेरे हुसैन का कुर्ता है। फातिमा के दो हाथ कांपते हुए निकले, दे दे कुर्ता।